ये रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है नाबीडांग साइड को। नाबीडांग कैलाश पर्वत। तो भाई 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 ऐसी वीडियो कोई नहीं बना रहा है। आप देखें हरिवर कैसे पहाड़ को काटा है, रास्ता देखें, पूरा सर पर मेरे पहाड़ ही चल रहा है। लैंडस्लाइड, पूरा पत्थर रोड पे आ गए हैं। चौड़ी रोड पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बाइकर्स भी नहीं आते। काली नदी का इतना भयंकर रूप, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी ब्लॉग वीडियो कहीं भी नहीं देखा यार। तो ये देखो नहीं देखो आगा निकाल लो, पीछे 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 पीछे। ओ नो यार, ये क्या है? ये तो यार तैर नहीं, गया 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 बंद हो गई यार। दोस्तों अभी हम धारचूला में और आज तारीख है 10 मार्च 2022, उस समय हो रहा है 12:15। हम होटल से निकल रहे हैं, अभी हम गए थे धारचूला और धारचूला यानी नेपाल ब्रिज पार करके, और यहां से हम शुरू करते हैं अपनी राइड। और आज हमारा सफ़र है वैसे तो काला पानी तक का था, पर हम यहां गूंजी तक ही जा पाएंगे क्योंकि अभी हम SDM ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा कि परमिट नहीं मिल सकता है, महिला परमिट नहीं मिल रहा है। तो जितना भी हो पाएगा उतना हम आज करेंगे, अच्छा करेंगे। और एक बार ये देख लो आप, ये मेन मार्केट है और शिवम होटल, जहाँ जो भी हमको पहला गेस्ट हाउस मिला था इसमें हम लोग गए थे और पास में अतिथि गेस्ट हाउस है, और 500 रुपये में हमने ले लिया था रूम। अब इसके बाद निकल रहे हैं और फिर मिल रहा हूँ मैं आपको बाइक पे। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं हम शिवम होटल, तहसील रोड धारचूला, और हम ये चौराहा आपको दिख रहा है, इससे आप लेफ्ट हैंड को नीचे चले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे नेपाल। नेपाल पैदल जाने देते हैं और आधार कार्ड आपका लगता है बस, और कोविड का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। और ये जो यहाँ लोकल टैक्सी में चलते हैं ये आपको दिख रही है, लोकल से इसमें सफ़र कर रहे हैं। बहुत बड़ा बाजार है, बहुत दिनों बाद मुझे टिक्कियाँ दिखी हैं भाई, छोले टिक्की और टिक्कियाँ पीना तो था पर हम लोग तो नहीं पी रहे। उसके बाद तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब छियालेक, और छियालेक यहाँ के लोकल्स बोलते हैं और वैसे है वो छियालेक। तो उस वहाँ पे जाने के लिए हमको शहर से, धारचूला शहर से वापस आना पड़ रहा है, वापस आकर हम मानसरोवर रोड पकड़ेंगे। तो ये देख लिए हम पूरे बाहर आ चुके हैं शहर से, मतलब यहाँ से हमें एंटर किया था वहाँ से रिटर्न आए पिथौरागढ़, यहाँ से 96 किलोमीटर है और यहाँ से लेना हमको राइट मानसरोवर रोड के लिए और ओम पर्वत के लिए, दोनों यही रास्ता जाता है। इसी से जाते हैं हम मानसरोवर, इसी से जाते हैं हम ओम पर्वत। तो फिर लौट के जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे तो सबकी पहले से पता था कि पेट्रोल पंप यहाँ पे एक ही है, लेकिन पैसे निकालने और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में भूल गए हम पेट्रोल डलवाना, तो थोड़ा सा बैक जा रहे हैं हम। एक ही पेट्रोल पंप है और ये इस रूट का लिपुलेक पास का आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद आगे जो पेट्रोल मिलेगा वो ब्लैक में मिलेगा और हो सकता है कि गड़बड़ झाला भी हो पेट्रोल में, इसलिए हम बैग जा रहे हैं यहाँ से, हम टैंक फुल करा लेते हैं।
दिख गया हमको पेट्रोल पंप और हमको लौट के आना पड़ा पूरे 2 किलोमीटर। मुझे अब की पता था कि धारचूला में पेट्रोल पंप है, पर धारचूला से तो 2-3 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो आप धारचूला की ओर जा रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है जो आपको सामने दिख रहा है, तो यहीं से अपना टैंक फुल करवा ले, फुल कर देना। तो यहाँ पे पेट्रोल है 96.41 रुपये, और यहाँ पे टैंक फुल करवा लिया है, 820 रुपये के समथिंग पेट्रोल आया है इसमें, और पहले से भी था 3 पॉइंट, तो पहले से आप फुल पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम निकल रहे हैं सीधे किया लेक की ओर, और जल्दी करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:50, और किया लेक का टाइम बता रहा है 2:05 में हम पहुँच जाएंगे। बहुत कम टाइम बता रहा है, अब जैसा भी होता है हम देखते हैं, और हम उसे कितने आगे जा सकते हैं ये हम प्रोसेस करेंगे। हम बीच में से कुछ भी नहीं बोल सकते, हमको कहाँ तक जाने दिया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर जगह जगह चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमें रोका जाएगा। और अब देखते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि भैया हमको आगे जाने के इतनी दूर से आएँ, जो कुछ भी होता है वो आपको दिखेगा। तो बने रहिए एडवेंचर ऑन व्हील आपके अभिषेक के साथ। साइन बोर्ड है देखो, आपकी यात्रा मंगल में हो, नगर पालिका परिषद धारचूला, और यहाँ से तो हम निकल रहे हैं नज़ारा भाई, और हमको कहाँ जाना है मैं आपको बता दूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे जेड आकार में हमको ऊपर जाना है, और ऐसे जोन में आपको बताऊँ कितने हैं, तो ऐसे कुल टोटल 36 जोन है जिनको आपको पार करना है। जो रास्ता बहुत ही टफ और कठिन होने वाला है, और ये देखिए प्यारे वाला रास्ता आ ही चुका है, यहाँ कुछ ख़राब पड़ेगा कुछ सस्ता पड़ेगा, तो जैसा भी है दिखेगा आपको। और नज़ारे देख लीजिए यार, एक बार नज़ारे आ गए हैं अभी से, जिन पहाड़ों से हमें प्यार है वो वाले नज़ारे सामने दिख रहे हैं यार, और मज़ा आ रहा है बहुत। तो मौसम बहुत प्यारा है, आज है तारीख 10 मार्च 2022, और ऐसी कुछ भी अभी ठंड नहीं है, हम अच्छे से गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं अभी जैकेट की चेन खोलकर बाइक चला रहा हूँ। और नीचे की ओर है धारचूला शहर, वो देखिए नीचे दिख रहा है धारचूला, और हम आ गए हैं ऊँचाई पर। हमारे साथ में ही चल रही है काली महाकाली रिवर, और उस साइड को है नेपाल, और अभी हम चल रहे हैं इंडिया में, और हम ऐसे ही चलते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि इस रिवर के साथ ही पूरा रोड जो बना हुआ है मानसरोवर जाने का, उस रोड के साथ ही बना हुआ है। और रास्ता वैसे मैं आपको बता दूँ, इस टाइम अभी तो यहाँ पे मुझे ना तो कोई ट्रैफिक दिख रहा है, टूरिस्ट वगैरह तो यहाँ आते ही नहीं है मुझे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बाइकर्स भी नहीं आते। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ जानकारी मिल जाए, पर मुझे नहीं मिल पाई। तो नेपाल से आने के बाद, तो उसके बाद मैं सीधा फिर यहीं पे आया, क्योंकि होशियारी होते हुए मुझे ये आप सबको दिखाना था यार कि यहाँ लोग नहीं आते, पर यहाँ भी नज़ारे हैं, यहाँ भी खतरनाक वाले रास्ते हैं जिन्हें हम जीना चाहते हैं और जिन पर हम चलना चाहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, और आप भी मज़ा लो मेरे साथ। प्यारे वाले झरने बह रहे हैं, इतनी तेज़ रफ्तार में तो नहीं बह रहे हैं अभी, बारिश में तो बहुत तेज़ चलते होंगे। और 2 पॉइंट निकल चुका है, छोटा सा कस्बा था, 2-5 घर थे वहाँ पे, इसके बाद आएगा एलागाड़, तो एलागाड़ के लिए बढ़ गए हम 5 किलोमीटर हैं यहाँ से, और अभी हमको बता रहा है 1 घंटे 42 मिनट, यानी 47 किलोमीटर के लगेंगे हमको 1 घंटे 42 मिनट, यानी 1.25 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो एलागढ़ है यहाँ से 2 किलोमीटर, और रास्ता आप देख ले कैसा है, और ऊपर को देखें, ऊपर पूरे में पत्थर निकले हुए हैं, बड़े बड़े चट्टारे निकली हुई हैं सर के ऊपर, मैं बाइक चला रहा था तो ऊपर करके नहीं दिखा सकता। और रास्ते की मैं बात करूँ तो कहीं पे ख़राब आ रहा है तो कहीं पे अच्छा आ रहा है, और अभी बाइक चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत प्यारे तरीके से बाइक चलती आ रही है। और अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो हम अच्छे से पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा है। और ये पुल और यहाँ से निकलते हुए झरने, और ओम पर्वत के इस रास्ते का सफ़र तो अभी पर्यटक के रूप में हम ही कर रहे हैं, और यहाँ तो कोई पर्यटक नहीं है, इलाका यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है, और सामने आपको हिमालय पर्वत दिख ही रहा है, हिमालय पर्वत की एक चोटी दिखाई दे
अभी तक की बात करूं मैं, यहां से 43 किलोमीटर लेक बची हुई है और 1 घंटा 32 मिनट बता रहा है हम पहुंचेंगे 2:54 पर, ऐसा कुछ गूगल मैप हमसे कह रहा है। उसके बाद जितना भी समय लगता है बताऊंगा, या फिर कोई परेशानी आती है, मंकी आया है रास्ते में हमको रास्ता दिखाने। देखो यार सामने कितना प्यारा वाला व्यू आ रहा है झरने का, और अभी हम एलागढ़ पहुँचे ही नहीं थे कि उससे पहले 2 झरने शुरू हो गए सामने की ओर। और ये देखो यहाँ पे रोक के लेना पड़ेगा भाई, पिक तो बनता है। ये देखो क्या प्यारा वाला झरना ऊपर से झर रहा है यार। झरना हम निकल चुके हैं और ये है कैलाश मानसरोवर आगे अगड़िया सीमा सड़क संगठन आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर जाने वाले तो हम शायद पहले ही हैं इस बार। और यहाँ कुछ खाने का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एलागढ़ में भाई इतना सा ही है एलागढ़। और ये कैंटीन है कुछ इस प्रकार की, यहाँ कुछ मिल जाएगा, कैंटीन रुकेंगे कि भाई अटके लिया कर रहे हैं प्यारी वाली। बहुत प्यारे नज़ारे मिलते हैं यार रास्ते में, मज़ा आता है देखने में। इसी एलागढ़ में एक छोटी सी शॉप मिल गई है और यहाँ पे हमने चावल लगवा लिए, चावल मिल गए, मैगी खानी थी पर उनके पास चावल भी थे तो पेट भी भर जाएगा सीधा सीधा। तो ये देखिए ऐसी एक छोटी सी शॉप है, युति भाई बैठे हुए हैं, ये मेरा हेलमेट रखा हुआ है और बहुत छोटी शॉप है। भाई भाई बना रहे हैं हमारे चावल। भाई चावल कितने रुपये प्लेट मिलते हैं यहाँ पे? 60 रुपये प्लेट दादी। अच्छा 60 रुपये प्लेट एलागढ़ है ये। यहाँ से धारचूला कितना रह गया, मतलब कितना निकल आए हम धारचूला से? धारचूला से आप अभी 13 किलोमीटर आ गए। 13 किलोमीटर आप आए हैं, ठीक है। 8 यहाँ से बचा हुआ है 1 किलोमीटर और रास्ते कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। और अभी एक छोटा सा ब्रिज पड़ा था रिवर क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ जो गाँव के लोग रहते हैं वो इंडिया से नेपाल जाने के लिए ऊपर उनके घर बने हुए थे, तो यहाँ से जो लोकल्स हैं आना जाना कर लेते हैं अपना। पर उनके कुछ तो नियम होंगे आने जाने के, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप एक कंट्री की सीमा ऐसी पार कर रहे हैं, कुछ तो होगा उनके पास जिसको लेकर ऐसे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। और ये सामने रास्ता देखो प्यारा वाला, बहुत ही रास्ता, सच बताऊँ तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है रास्ता, ऐसा कोई भी ख़राब नहीं है कि दिक्कत आ रही हो। तब आगे 1 किलोमीटर माइलस्टोन लगा था, उसमें लिखा था तवा घाट 0, तो तवा घाट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का घर नहीं दिख रहा है हमको, कुछ भी नहीं दिख रहा है, घर क्या घाट ही है सिर्फ। तो यही है कुछ तवा घाट देख लो, नहीं आप सोचो कि कोई कस्बा हो और तवा घाट के भरोसे आ जाएंगे, चलो वही नाश्ता तवा घाट में करेंगे, तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये मैंने पहले ही खा लिया भाई, जहाँ पहली शॉप पड़ी खा लो, जितना आगे मिले ना मिले, मिलेगा जरूर, पर अभी तो पेट पूजा कर ही लो, आगे पता नहीं कितनी देर में मिला। और सामने का व्यू देखो यार कितना, मतलब रोड पहाड़ को काट के बनाया हुआ है एकदम से, पहाड़ को काट के, मतलब इस रास्ते में कुछ अपना ही मज़ा है यार। बहुत जल्दी मुझे दूसरी राइड मिल गई है क्योंकि ये है तवा घाट पहला, देखो ये रेस्टोरेंट टाइप से है क्या है। दो रास्ते हैं यहाँ से, एक मिनट भाई, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है? ये रास्ता कहाँ जाता है? ये जाते हैं नाविडांग साइड को, नाविडांग कैलाश पर्वत, हाँ वहीं पे जाएं। थैंक यू, कैसे बात करनी पड़ी है, नेटवर्क नहीं है, BSNL के नेटवर्क आ रहे हैं, सिर्फ हमारी समय तो बंद हो चुकी है, तो यहाँ किसी प्रकार के कोई नेटवर्क नहीं आते। और जिया लेक के लिए हम बढ़ चुके हैं आगे, बहुत बच गए यार, बिल्कुल रेत थी, रेत में टायर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से, हमें फिर से मिल चुकी है प्यारी वाली सड़क।
लैंडस्लाइड, पूरा पत्थर, पूरे पत्थर रोड पे आ गए हैं। इतनी चौड़ी वो रोड को कर दिया पूरा ब्लॉक। तो ये देखो जब लैंडस्लाइड होती है तो क्या होता है, कोई भरोसा नहीं है। क्या रोड पे आ गए पत्थर कितने बड़े बड़े, बहुत ही खतरनाक वाला वे है ये यार। तो पूरे रास्ते काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब आने वाले समय में ये अच्छा सा बन जाएगा। और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, एक और प्यारा वाला ब्रिज, तो यहाँ पे मतलब निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और तीव्र गति से चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये टूरिस्ट प्लेस के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। और ये रोड तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये रोड ही है जो कैलाश मानसरोवर जाती है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ी है और बहुत अच्छे से बाइक चल रही है। बीच बीच में थोड़ा सा आ जाता है, थोड़े थोड़े टुकड़े आ जाते हैं कि इससे मस्त गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। उसके बाद फिर से आता है सही रास्ता। गजब की फील आ रही है। ये देखो थोड़ा सा बाइक रोक रहा हूँ, सामने देखो कैलाश मानसरोवर रोड, 1 घंटे 32 मिनट 43 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। तो यार हम उस रोड पर जा रहे हैं, हम उस जगह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ मतलब हर भारतीय का सपना हो। तो ये देखो लैंडस्लाइड कितना ज़्यादा खतरनाक, पूरा पहाड़ी नीचे, कितने बड़े बड़े पत्थर है यार नीचे। और रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा है। ये क्या है, इतना बड़ा ब्रेक हटा है जिसे बना दिया। मुझे ये लग रहा है कि भाई क्या होगा, यहाँ तो मुझे रास्ता बंद दिख रहा है। लेक यहाँ से है 43 किलोमीटर और सामने ये देख लो यार रास्ता बंद है और दो जेसीबी चल रही है किस साइड है किस साइड, और पता नहीं ये कब तक खुल पाएगा यार। तो ये हमारे साथ ही होना था क्या। तो अभी कुछ सीन ऐसा हो गया है कि रास्ता बंद है और यहाँ पर ब्लास्ट किया हुआ इन लोगों ने। तो अभी ये लोग ये बता रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ से रास्ता खुलने में। ये देखो तो पूरा 1 घंटा लगने वाला है अभी हमें, मशीन लगातार काम कर रही है, दोनों तरफ जेसीबी चल रही है। 1 घंटा कुछ नहीं कर सकते हम, 1 घंटे हमको यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। और ये देखिए खाली में भी कैसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं यहाँ नीचे। ये काली नदी इस साइड है नेपाल, ऊपर देखो कहीं पे आग लग रही कितनी जोर से, क्या है सिस्टम, वहाँ भी लग रही धुआं हो रहा है, वहाँ भी लग रही धुआं हो रहा है, तो पता नहीं क्या है। तो फहरहाल हम रुके हुए यहीं पे और जैसे ही रास्ता खुलता है हम निकलते हैं फिर आगे को। नहीं पाया यहाँ से, उन्होंने मुझे हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता बना दिया था जिससे हम बहुत ही मुश्किल से 3-4 लोगों ने हाथ लगा के गाड़ी को ऊपर चढ़वा दिया यहाँ पे। बस आगे को थोड़ा सा रास्ता बंद है, अब ये खुलेगा तब कुछ हो पाएगा। अभी तो हम फंसे हुए हैं पर बीच रास्ते में आ गए, इतना काफ़ी है, एक से तो निकल गए। बहुत ही खतरनाक यार, दो चारों तरफ देखना पड़ रहा है कि कहाँ ये पत्थर पे, क्योंकि गाड़ी एकदम से चली जाती, बहुत ज़्यादा वजन है। तो अभी ये चल रहा है सामने का झुगलम झाल,
आधा उन्होंने चला, आधी रास्ता तो निकलवा दिया, आधा रह गया है। अब जैसे ही खुलेगा तब देखेंगे। ये देखो वहाँ ही रह गया है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है यार। मतलब इस तरह का रास्ता बंद मुझे अभी कहाँ मिला था, नेपाल में थोड़ा सा मिला था जब जेसीबी काम कर रही थी तो मैं निकाल ले गया था, इसके बाद मुझे यहाँ पे मिला है। खतरनाक है यार ये रास्ता। ये देखिए यार वो गया, नहीं क्या हालत होगी। लगभग लगभग रास्ता खोल दिया है भाई ने, और ये हट जाए तो हम निकलने से मैं ही निकल पाऊंगा, क्योंकि इस साइड वाली जेसीबी तो काम कर रही है, ये गाड़ियां जो खड़ी हैं वो तो निकल ही नहीं पाएंगी। अब देखो वाह, तो भाई 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 थैंक यू भैया। आवाज़ तो नहीं सुनी मेरी लेकिन इतना डरावना सीन था। तो भाई फाइनली निकल गए हम, आधा घंटा हमने वेट किया और कुछ दिलचस्प नज़ारे संजोए हैं हमने, क्योंकि ऐसे नज़ारे तो देखने को नहीं मिलते हैं कहीं भी। बहुत ही मुश्किल से चार लोगों ने धक्का देके मेरी बाइक को चढ़ाया, उसका छोटा सा टाइम लैप्स बन गया है जीतू के मोबाइल में, तो वो टाइम लैप्स मैं इसमें पहले ही डाल दूंगा। लेकिन मज़ा आ गया, बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही दिलचस्प। क्या है कि ये मानसरोवर वाली रोड है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, और ये देखो बहुत ही, अरे नीचे टकरा गई बाइक, वजन ज़्यादा होने से यही होता है। और बहुत ही आराम से डाल रहा है, सामने प्यारा वाला रास्ता आ गया है, फिर से डंबर की रोड आ गई है, और ये कोई टेम्पल बनाया हुआ है भगवान का, कुछ तो काली माता की पिक लगी हुई है, तो जय काली मैया, जय दुर्गा माता। और सामने देखो कितना प्यारा ग्लेशियर, और ग्लेशियर के ऊपर दिख रहे हैं बादल, तो मुझे लगता है कि यार स्नोफॉल हो सकता है, लग रहा है मुझे कि ऊपर हो सकता है स्नोफॉल मिले हमें, जैसे कि मनांग राइड में मिला था मुझे, क्योंकि बादलों का होना तो सीधा इसी तरफ इशारा करता है कि इसमें तो होगी। सामने फिर जैसे भी दिख रही है मुझे, तो मुझे फिर डर लग रहा है यार फिर से काम ना चल रहा हो। तो ऐसे दिलचस्प नज़ारे हैं, जब ये रोड सही हो जाएगा तो लोग यहाँ भी आएंगे देखने के लिए। अभी फ़िलहाल आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही देखें, और प्लीज़ आपसे प्लीज़ कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी राइड्स पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि क्या गलत लग रहा है वीडियो में, वॉइस नहीं आ रही है सही, वो मुझे पता है कि माइक की कमी है। इसके अलावा क्या कमी है मेरे वीडियोज़ में प्लीज़ बताइए, कहाँ पर और मैं क्या नया कर सकता हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। बाकी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कुछ नया करने का, कुछ एडवेंचरस करने का, कुछ जोश भरा करने का, जिससे आप लोगों को देखने में मज़ा आए और लगे कि यार आप लोग भी कर सकते हैं, और करें, बिल्कुल करें। और जहाँ मेरे साथ की आवश्यकता पड़े तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, और नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ, बात करना चाहें तो बात भी कर लें। पर प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और
ऑर्गेनाइजेशन इन द सर्विस ऑफ नेशन। ये देखिए यार, पानी पीना था पर झरना दूर है, लेके आऊँ क्या पानी। चलो आगे शहर पड़ रहा है, क्योंकि शहर दिख रहा था तो वहीं पे पीते हैं पानी। और कितने बज रहे हैं देखते हैं, 3:30 बज रहे हैं, तो एक चाय का स्टॉप लगा लेते हैं, चाय लगाएंगे वहाँ पर ये प्यार से। तो बहुत ही प्यारा प्यारी रोड पर काम चल रहा है, सीमा सड़क संगठन देश की सेवा में, ऐसा लिखा नहीं है, घासकू घासकू है ये। तो अभी हम घासकू पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे हम चाय पियेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बहुत यहाँ पर और भी गाड़ियाँ भरी हुई हैं। चलो पीछे चलो, आगे भी है क्या? जाना नहीं। चाय की दुकान देख रहे थे, जाना तो होता खाना तो खा लिया। उनको पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। चलो चलो वो हाँ भाई को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। अभी ये कौन सी जगह है? ये है घासकू। घासकू नेक्स्ट वाला पांगला। पांगला तो पांगला रुकना पड़ेगा हमको। नहीं पांगला में रुकने का कोई व्यवस्था और आग रुकने का व्यवस्था नहीं, फिर कहाँ मिलेगा? उसके बाद घट्टे पकड़ के बाद गरवाधार। अच्छा गरवाधार के बाद नजंग, मालपा, छंकन, बूदी, फिर छाली। मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगी जगह, मतलब रुकने जगह मिल जाएगी। ठीक ठीक। भाई को पता नहीं क्या बुरा लगा था, आंटी ने हमसे खाने का क्या बोल दिया, कितना सुना डाली है। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे खुद क्लियर नहीं हो पा रहा मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, रास्ता बंद हो जाता है। ये मैंने पहली बार सुना है। चले 5 बजे के बाद ब्लास्ट होता है, तो 3 बज रहा है, 5 के बाद ब्लास्ट होते हैं, मतलब हमको 4:30 तक कहीं ना कहीं तो स्टॉप लेना पड़ेगा। अब जो भी होगा सामने आया, क्या दिमाग लगाया। इस बार कुछ ऐसे रास्ते आ जाते हैं कि पक्की रोडें बन रही हैं धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। और मुझे लगता है कि आगामी 1 साल में यहाँ तक बहुत अच्छी रोड हो जाएगी, क्योंकि बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है रोड का। किस तरीके से टेंट लगाया हुआ है ये पानी से बचने। इस रास्ते पर तो हम ही टूरिस्ट दिख रहे हैं और तो कोई दिख रहा ना, मोटर बाइकर यहाँ पे आते ना कोई आता। अरे यार एक बात तो है, वीडियो से आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस कोई नहीं बना रहा है। आप देखें हरी बार कैसे पहाड़ को काटा है, रास्ता देखें, पूरा सर पर मेरे पहाड़ ही चल रहा है, गजब ही तरीके से बनाया गया है। और बहुत रोड डल गई तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज की रेस में गाड़ी कभी सोच भी नहीं सकता था मैं यार, गजब हो गया। ये होता है रोड डलने से, तो ख़राब थोड़े थोड़े कपड़े आ जाते, बहुत ही खतरनाक पहाड़ों को काट के बनाया गया है यार। जो व्यू आ रहे हैं ना, उसका गब वाले आ रहे हैं। ऐसे तो मनांग और मुस्तांग में भी नहीं आए थे, मतलब रास्ता तो ख़राब था पर ऐसे पहाड़ों को ऐसे काट के नहीं बनाया गया था, पहाड़ अपने सर पे नहीं आ रहे थे। वो छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग पर चल रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ही गंदा पानी है, तो मुझे कुछ दिखता तो नहीं, बस पूछता निकालने की, वज़न बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं और कृपा रही तो हम निकाल देंगे। निकाल दिया यार, निकाल दिया मैंने। ये देखो कैसी खड़ी घाटी यार, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है आपको बहुत मज़ा आ रहा है साइड में। इतना ज़्यादा बजा नहीं, ऐसा लग रहा है गाड़ी पलटना जा रही थी, वो अपना बजे इतना ज़्यादा हो जाता था।
जिस रोड से हम निकल के आ रहे हैं वहाँ देखो यार कितना प्यारा वाला झरना नीचे को, बहुत ही पतली मिट्टी है, बहुत लोड ले रही गाड़ी झरने में। हमने लिखा था भाई और भूस्खलन क्षेत्र पहाड़ गिरने का भय है, पत्थर गिरने का तो कहीं कहीं लिखा था, यहाँ पूरा पहाड़ ही गिरने का भय है। ये देख लो, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये, मैं तो अभी इंडिया में हूँ और सामने है ये नेपाल, तो नेपाल में जगह जगह ये धुआं निकल रहा है, तो ये किस चीज़ का निकल रहा है? आदमी तो वहाँ पे जाके बसे नहीं है और जगह जगह से धुआं निकल रहा है। जंगल में कैसे आग लगेगी यार? अरे तो यार चलो पहले हम रास्ता क्रॉस करते, नहीं तो यहाँ पे फिर से ब्लॉक लग गया तो हम तो गए भाई, हो गया हमारा सफ़र। दिन भर में हम चली कितना पाए मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, 43 किलोमीटर बता रहा है अभी 1 घंटे 32 मिनट चल रहा है यहाँ पे काम, रुक जाए वो क्या रहा है आगे को बढ़ाते हैं, आगे रास्ता तो खोल दिया है भाई हमारे लिए, किस्मत अच्छी थी कि यहाँ तक आ गए यार, गलती से खुल गया है। जैसे पहाड़ गिराए हैं ये देखो यार, देख के ही डर लग रहा है, जल्दी से निकाला जाए, ये पत्थर तो हवा में लटके हुए हैं ऊपर, मतलब बहुत ही खतरा है यार, खेल बंद हो गई अंदर, ये देखो कैसे लटके पत्थर भाई, कुछ इस तरह से है यहाँ का रोड, बहुत ज़्यादा ब्लैक टेंडर बंद रुक जा भाई, हम आ गए हैं घाटिया बार गाड़ी भी बाइक पीछे जा रही है थी। अरे यार, और गूंजी के लिए हमको है यहाँ से 45 किलोमीटर और जिप्टी का रास्ता ये यहाँ से कटा हुआ है ऊपर को, तो हम 45 किलोमीटर तो आज चेक कर पाएंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता 45 किलोमीटर, क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं, तो एक घंटे में हम मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं। रोड अच्छी मिलती है तो देखते हैं हो जाए, गूंजी तक ही पहुँच जाए हम कम से कम, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये, रास्ता सही आ गया ऐसा मिला फिर मैं कर दूंगा तय 2 घंटे के अंदर। तो देख तो रहे कैसे पहुँच रहे हैं, कैलाश मानसरोवर रोड पर आपका स्वागत है। ऐसी धूल के फिर मुझे सर्दी की पास की याद आ जाती है, लद्दाख की बहुत ही खराब वाला रास्ता आ गया यार ये, तो सोचे ही नहीं था इतना खराब भी हुआ, गाड़ी का पहिया पूरा अंदर चला गया यार, भाई जरा चला था फिर देखते हैं धक्का निकलवाएगा, लेकिन बताओ मैं गुस्सा करूँ कि ना करूँ, हद है यार, तो आप देख लो यार कैसा क्या रास्ता है, बाहर बहुत ही खतरनाक वाला मिल रहा है भाई, मनांग और मुस्तांग की याद तो दिला दी थी रास्ते में मुझे, तो कुछ ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं होगा, मनांग मुस्तांग ज़्यादा खतरनाक है, पर फाइनली वो रास्ता आ गया है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये देखो साहब काली नदी नीचे, और ये जो सामने मकान बना हुआ है वो नेपाल में बना हुआ है, और ये नेपाल वाले पहाड़ और ये इंडिया वाले पहाड़ अपने, इसीलिए लोग बोलते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ज़्यादा टफ है। आप देख रहे हो रास्ता कितना खतरनाक वाला रास्ता, और कैसे 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 दिक्कतें आ रही हैं, कैसे कैसे क्या करना पड़ रहा है। भाई आ गया है तो हम आगे को बढ़ते हैं जल्दी से, चल लो भाई जो भी है आप रास्ते को एंजॉय करो और मैं राइड पे एंजॉय करूँ।